और दूसरी बात ओरिजिनलिटी की, ये आपका सर्टिफिकेट। बिल्कुल हाँ, फोंगकोंग का कोई भी प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, वो आपको ओरिजिनल मिलेगा। फैन का स्पीड बढ़ा फैन भी का सकते स्पीड हैं बढ़ा भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये फैन भी है और फैन के साथ साथ ये एब्जॉर्ब भी करता है, यानी कि आपका जो आयरन स्मोक का स्मोक है, स्मोक को एब्जॉर्ब करता है। 5 रुपीज से हमारे पास स्टार्टिंग हो जाएगी। सर, कोई अगर आपको व्हाट्सएप पे मांगे फोटो जरूर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं सर। अगर कोई छोटे से छोटे आईसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, रख के आप काम कर सकते हैं, बहुत मामूली सा भी आईसी आप कनेक्ट करके रख सकते हैं और बहुत इसकी जो पकड़ है सर, आप कितनी भी आर में काम कर लीजिए तो भी आपकी आईसी उड़ नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। ये बहुत जबरदस्त टूल है, बहुत जल्द। तो इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जितना हो सकता है लाइक कर दे इस वीडियो को, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्लास टाइमिंग के अलावा भी ये सब आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। सर यहाँ इतनी दूर से जोधपुर आए और उन्होंने ये सारे टूल लेके आए, उन्होंने बताया कि सर यार ये वीडियो में ना हम आपको प्राइस बताएंगे। बिल्कुल सर, तो बिना प्राइस के वीडियो नहीं होने वाली है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि प्राइस है ना टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जी सर, तो आप एक बार कंफर्म जरूर करें सर के साथ में व्हाट्सएप पे, जो नंबर आप दिए देख सकते हैं। ये नंबर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये वेबसाइट है बताना चाहूंगा www.jdxteam.com। सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप जानते होंगे हमें, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल इसे टेलीकॉम ऑफिसर चैनल के साथ में। मेरे साथ है जेडएक्स मलिक जेडएक्स टीम की तरफ से, और यहाँ हमारे साथ में मिलन सर एसर टेलीकॉम टीम की तरफ से। तो जैसे कि सर बताइए वीडियो में क्या खास है आज? सर इस वीडियो में खास होने वाला है, एक तो आपको छोटे छोटे जो नए टूल आए हैं, हम बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे टूल जैसे मान लीजिए स्क्रैपर है, ट्वीजर है, कुछ मार्केट में नए और स्मूथ टाइप के आए हैं, तो उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी और क्या टूल्स आप किन पे वर्क कर सकते हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि मिलन सर बताइए इस वीडियो के बारे में। जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाए थे और कल हमने कुछ टूलों के ऊपर जानकारी दिए थे कि कौन सा टूल बेहतर है, कौन सा टूल क्या, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए तो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए ये वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो। आज हम उसका पार्ट टू बनाने वाले हैं कि पार्ट टू में और भी बहुत सारे नया टूल्स आपको दिखाएंगे और उसका प्राइस कैसा रहेगा और यूज करने में क्या डिटेल्स रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ वीडियो की खासियत। सबसे पहले आपको, क्योंकि टूल से वीडियो बहुत सारे मिलते होंगे, बट यार ये वीडियो में ना हम आपको प्राइस बताएंगे। बिल्कुल सर, तो बिना प्राइस के वीडियो नहीं होने वाली है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि प्राइस है ना टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। जी सर, तो आप एक बार कंफर्म जरूर करें सर के साथ में व्हाट्सएप पे, जो नंबर आप दिए देख सकते हैं। ये नंबर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये वेबसाइट है बताना चाहूंगा www.jdxteam.com। और एक खास यहाँ पे गिव अवे के बारे में बातें करेंगे, और इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि गिव अवे की बात हम कभी भी कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक लॉन्चिंग की बात करते हैं सर, एक लॉन्च कर रहे हैं हाँ जेडएक्स, मतलब इनका जो जेडएक्स टीम है इनका आप लॉन्च कर रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्लस iOS एप्लीकेशन। बिल्कुल, उसके बारे में बताइए। हमारा 1 जनवरी को iOS और एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है रिलीज हो जाएगा, और उसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, और जिन लोगों को समस्या होती थी हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर ऑर्डर करने में ये वो देखने के लिए, तो उन लोगों की बहुत ज्यादा बहुत जल्द ये समस्या दूर हो जाएगी कि वो वेबसाइट से ऑर्डर कर सकेंगे और एप्लीकेशन पे जाके। और जो फ्रॉड हो रहे थे नंबरों के साथ में, जैसे कि बहुत सारे लोग जेडएक्स टीम की तरफ से एक फेक नंबर या फेक अकाउंट बना देते थे, तो अब उनके लिए एक आसान काम हो जाएगा। आपको अब कहीं नहीं जाना है, अगर आपको ऑनलाइन परचेसिंग करनी है तो आप सीधे वो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो नंबर है सिर्फ 1 क्लिक से आप इनके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। यस सर, बिल्कुल, वो हमारा जो नंबर है रीडायरेक्ट हो जाएगा आपको, और व्हाट्सएप चैट पे आपको पहुंच जाएगा, वहां हमारे जो अदर ऑफिशियल नंबर होते हैं उनकी डिटेल भी आपको वहां मिल जाएगी, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वो आपको वहां इजीली मिल पाएगी।
और अभी तक अगर जिन्होंने इस आधे का दिखा दीजिए इस आधे का वीडियो नहीं देखा, मैं पहले बताना चाहता हूँ ये पहले की ये पूरी जानकारी हमने इस चैनल पे इस हमारे जो YouTube के ऑफिशियल चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं और ये सेकेंड वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो तीन पार्ट में आएंगे क्योंकि टूल्स बहुत ज्यादा है जी, हर एक को हमें डीपली में बताना है। एक चीज होती है कि चलो ये बता दिया है कि ये ट्विजर है ये इतने का है तो ये तो एक नॉन टेक्निकली बात हो जाती है, एक बेचने वाली बात हो जाती है। यहाँ बताएंगे कि क्योंकि हमारे साथ में एक्सपर्ट भी है और मैं भी हूं आपको बताने के लिए और सर भी हैं आपको बताने के लिए, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे। इसलिए हमने ये वीडियो को तीन भाग में सोचा इसको बनाने का। पहला भाग आप देख चुके होंगे, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। दूसरे भाग में अब हम कवर करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप तक और तीसरे भाग में हम कवर करेंगे हमारी सारी एसएमडीआर और उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहां पर बताने के लिए और ये आएगा बहुत जल्द। तो इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जितना हो सकता है लाइक कर दे इस वीडियो को क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्लास टाइमिंग के अलावा भी ये सब आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। सर यहाँ इतनी दूर से जोधपुर आए और उन्होंने ये सारे टूल लेके आए हैं, उन्होंने बताया कि सर ये जो वीडियो हम बनाना चाहते हैं, हम हर एक हमारा जो भाई है टेक्नीशियन जो दुकान पर बैठा है जो कहीं जा नहीं पा रहा है COVID-19 के चलते या किसी भी चीज के चलते अदरवाइज जो दिल्ली तक नहीं जा पा रहे हैं, जो जाना नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि घर पर बैठकर उनको टूल मिल जाए और जेन्युइन टूल मिल जाए, एक ऐसे कि वो लूटे ना, क्योंकि यार इस दुनिया में ना लूटने वाले 100 में से 1000 मतलब 100 में से 90 है, तो अभी आप किस पर भरोसा करें? तो आप भरोसा कर सकते हैं, ये इस टेलीकॉम का दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और यहां से सबसे पहले कल हमारे साथ में हमने देखा यहां तक की सारी चीज हो गई थी, तो शुरुआत करेंगे यूनिक टूल के साथ यहां पर। तो ये सबसे पहले मलिक सर बताइए क्या है, फिर मिलन सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मैकेनिक कंपनी का सर पेन मल्टीमीटर है, जो भाई मान लीजिए काम करते हैं और वो कहते हैं ना कि उधर देखना या एक बार में इस तरीके से चेंज कर लेना, तो वो इस पे काम कर सकते हैं और इसका रेट भी बहुत रीजनेबल है और ऑटो मल्टीमीटर है, आप देख भी रहे होंगे इसमें LCD भी दिखाई गई है। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी आपको मिलन सर देंगे। ये जो मल्टीमीटर है ये पेन की तरह यूज़ होगा और ये जो मल्टीमीटर है आप डायरेक्ट मल्टीमीटर वहाँ है और यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं तो देखने में दिक्कतें होगी, हो सकता है। तो ये ऑटो मोड में काम करता है, आपका क्या रजिस्टर लगा है, क्या लो वैल्यू HBR LBR जो भी है डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, लाइन बीप वगैरह ये सब कुछ डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और इसकी जो पिन है ये बहुत नोके नुकीला है, मतलब आप इसको ग्राउंड में कहीं पर भी फंसा दीजिए और इसको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये हैंडी है, इस मल्टीमीटर को आप जेब में कैरी करके आप जैसे अगर डोर टू डोर काम करते हैं या आप चाहते हैं कि आप अपने इस घर को भी ले जाना चाहते हैं और शॉप पे भी रखना चाहते हैं, तो ये मल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। आप देखेंगे इसको पैन मल्टीमीटर कह सकते हैं आप, तो पैन मल्टीमीटर जैसा काम करता है, जैसे सपोज आप TV या बड़े मदरबोर्ड में काम करते हैं तो बड़े मदरबोर्ड में क्या होता है कि हम मल्टीमीटर की वायरें घूमती हैं, तो उधर वायरें घूमने की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरीके से कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी चीज है, यूनिक चीज है। सर इसका कॉस्ट कितना होगा? इसका कॉस्ट सर 1200 रुपए होने वाला है और ये जो भी भाई हमारे से खरीदेंगे उन्हें ये विद इन इसका जो कोरियर चार्ज है वो हम नहीं लेंगे। इस पेन मल्टीमीटर को अगर कोई सिंगल मंगवाता है तो इसका कोरियर चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो जैसे कि मैं बताऊं कि प्राइस आप तो सुन लिया होगा, पर मिलन सर खास चीज क्या है बताइए। ये अगर पेन मल्टीमीटर आप खरीदते हैं उसके साथ एक क्लॉथ है 100 पीस का, ये क्लॉथ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा, कुरियर कॉस्ट भी नहीं और लगेगा। ये आपको हर एक टूल पे फ्री दिया जाएगा। हाँ जी सर, कोई भी आप टूल लेते हैं तो उस पे आपको एक क्लॉथ पैकेट हमारे यहाँ से परचेस करने पे बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट फ्री दिया जाएगा। दिया जाएगा, चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट आप देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे इस PPD की बात करते हैं, सामने रख लेते हैं। तो सबसे पहले मिलन सर बताओ किस किस कंपनी का और कौन सा टेम्परेचर का ये पीपीडी है? देखिए सर, यहाँ पे जो पीपीडी पेस्ट कुछ मैकेनिक का भी रखा हुआ है, कुछ MAU कंपनी का भी रखा हुआ है, कुछ ये जो पीपीडी होता है सर हमारे अलग अलग टेम्परेचर का होता है, जैसे 183 है, ये भी हमारा 183 है, या ये 138 है, ये भी 138 है, ये देख सकते हैं ये लो टेम्परेचर हो गए हैं और ये 183 जो कि अपन CPU है, बाकी ICU को रिवॉल्व करने के लिए हम अपने मदरबोर्ड में यूज करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर का PPT पेस्ट मस्ट भी जरूरत है क्योंकि सही तरीके से हम अगर काम करें
और इसके प्राइस सर बताएंगे आपको कि क्या प्राइस। ये जो प्राइस होने वाले हैं इसका, अगर हम मैकेनिक की बात करें तो ये 35 ग्राम की है और ओरिजिनल है। मार्केट में आपको इसकी कॉपी भी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन हमने जैसे कि अपनी वीडियो में बताया था कि कॉपी प्रोडक्ट हम नहीं सेल करते हैं, और जिन्हें कॉपी प्रोडक्ट चाहिए वो हमें कॉन्टेक्ट ना करें, तो फिर से यही बता रहे हैं। और इसके बाद आप मैकेनिक की पीपीडी ले सकते हैं, 183 और 138 का, दोनों का रेट होने वाला है 200 और 250 रुपए, 200 और 250। तो आप इसकी क्वालिटी देखिए, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए पीपीडी पेस्ट जैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि आप इसी को रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्विंग नहीं होती है, पेस्ट बाहर निकल जाता है, तो टूल एक ट्रिक तो ठीक है, हैंड स्किल तो मेन है, वो तो आपको एक इंस्टीट्यूट में जाकर लेनी चाहिए, बट टूल बहुत मैटर करते हैं। जी जी, अगर गलत पीपीटी पेस्ट आ जाएगा आपके पास, अगर आप रिवॉल्विंग करने की कोशिश भी करेंगे तो कोई भी नहीं होगा। अगले प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, बताइए। अगले प्रोडक्ट में आते हैं, फ्लक्स में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे भाई होते हैं जो फ्लक्स खरीदते हैं और फ्लक्स सही तरीके से काम नहीं करता बिल्कुल, और जैसे ये भी फ्लक्स है, ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये दिखा दीजिए थोड़ा, ये देखिए तो क्वालिटी देखिए आप। और ये, और जिसमें ये है कि अगर आप एक बार में ज्यादा लेना चाहते हैं तो ये ऑलवेज है, ये ज्यादा ग्राम में मिल जाएगा। ये कितना ग्राम का है? ये 100 ग्राम का, 100 ग्राम पर है। और इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारा किंगबो कंपनी का फ्लक्स आता है, और इसमें जैसे कि लुब्रिकेंट की बात करते हैं तो किसी ये इसमें ज़्यादा आता है और इसमें कम आता है, यानी कि चिकनाई। और हमारे पास ये रिलाइफ और फोंगकोंग और इसके अलावा अदर भी हैं, लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम अच्छी चीज़ जो है स्टूडेंटों को बताते हैं, ताकि उनका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट ना जाए, हम पैसा किसी का वेस्ट नहीं कराना चाहते। तो इसलिए आप मैकेनिक में और किंगबो में ये ले सकते हैं, अगर जिसे ज़्यादा की क्वांटिटी में लेना है। और इसका जो रेट रहने वाला है 570 रुपये, एमटेक मैकेनिक यूवी 559 रहने वाला है, आपको मार्केट में 600-700 रुपये का भी ये देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका कॉपी 300-350 रुपये का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो और इसका रेट ये होने वाला है सर 400 रुपए का, ये आपको किंगबो का 400 रुपए में मिल जाएगा। इसका भी अगर आप कॉपी मार्केट में ट्राई करेंगे तो 200-250 रुपए का भी मिल जाएगा, लेकिन चीज कभी भी लें, ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लें। और अगर ये छोटा लेना चाहें इस तरह का, ये सर बिल्कुल, अगर आप फोंगकोंग का बाय करना चाहते हैं तो फोंगकोंग का आप ले सकते हैं, ये होगा 200 रुपए का, और रिलाइफ में 180 रुपए का। हर प्रोडक्ट के साथ आप वो फ्री दे रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, हर प्रोडक्ट के साथ, हर प्रोडक्ट के साथ आपको ये एक क्लॉथ पैकेट, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक क्लॉथ पैकेट आपको फ्री मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए अब आप मान लीजिए ये वीडियो 10 दिन बाद देखें या 20 दिन बाद देखें तो तब ये वैलिड नहीं होगी, ये वीडियो आने के सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड होगी। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लैक फ्राइडे ऑफर हमारा चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे के ऑफर आप जितनी भी टूल्स परचेस करते हैं उसमें आपको एक क्लॉथ पैकेट फ्री मिलेगा। चलिए ठीक है, अगली प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको स्टैंड, पीसीबी स्टैंड देखने को मिल रहे हैं, बताओ पहले मिलन सर। ये पीसीबी स्टैंड यहाँ पे दो टाइप के हैं, जैसे बहुत सारे भाई होते हैं जो यहाँ पे तीन तरीके से पीसीबी स्टैंड है, तो पीसीबी स्टैंड में इसमें खासियत क्या है? ये पीसीबी स्टैंड में ये खासियत है, इसमें बोर्ड भी कनेक्ट हो जाता है और आईसी भी कनेक्ट हो जाता है, कि आईसी हम रख के काम कर सकते हैं, पकड़ के पेस्टेड आईसी वगैरह काम कर सकते हैं। जैसे ये आईसी, जी ये आईसी बता जी, ये जैसे मैं ये आईसी अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जैसे देखिए ये बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया, और इस तरफ मदरबोर्ड, दो दो मदरबोर्ड रख सकते हैं इसमें। और ये वाले पीसीबी स्टैंड का खासियत होता है, ये वाले पीसीबी स्टैंड सनसाइन ब्रांड का है और बहुत ही अच्छा ब्रांड का है, और इसमें क्या है, हीट सिंक लगा हुआ है। जेन्युइन और एक ब्रांड का भी आता है जिसमें इस तरीके से खांचा तो होता है कि आईसी रखने के लिए, आईसी क्लीन करने के लिए, पेस्टेड क्लीन करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आईसी है, ये जो पीसीबी स्टैंड है हमारा, बहुत हीट हो जाता है जिसके कारण हमारा थोड़ा तकलीफ होता है। इसमें क्या है कि सर हीट सिंक है, सही बात। और सबसे जबरदस्त यहाँ पे एक टूल है, ये जो आईसी स्टैंड है, इसमें छोटे से छोटे आईसी भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाऊं, एकदम छोटे से छोटे आईसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, रख के आप काम कर सकते हैं, बहुत मामूली सा भी आईसी आप कनेक्ट करके रख सकते हैं, और बहुत इसकी जो पकड़ है सर, आप कितनी भी आर में काम कर लीजिए तो भी आपकी आईसी उड़ नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। ये बहुत जबरदस्त टूल है। और सर बताएंगे इसकी प्राइस के बारे में।
ये जो अभी सर मैं इसकी बात करूं तो इसका मार्केट में कॉपी आ गया है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारे लोग अभी कॉपी बेच रहे हैं। उसमें क्या होगा कि उसमें जो मटेरियल है, मटेरियल मान लीजिए एक तो आप कोई चीज खरीद रहे हैं टोटल प्योर लोहे में, आयरन में, और एक चीज आप वही खरीदते हैं स्टील में, तो रेट का डिफरेंट हो जाता है हैवी में, और आपका एक बार गिरेगा और टूट जाएगा तो वो आपका पैसे वेस्टेज ही होना है। तो आपको कॉपी ये जो देखने के लिए मिल जाएगा 1500-2000 रुपए में समथिंग, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कॉस्टिंग है वो 2500 रुपए है। आप इसे 2500 रुपए में बाय कर सकते हैं, और अभी आने वाले टाइम में अगर इसका रेट डिक्रेस होता है तो हम बिल्कुल आपको जानकारी देंगे और रेट डाउन भी कर देंगे, लेकिन अभी इसका रेट 2500 रुपए होने वाला है बिल्कुल। और इसके साथ बाकी इसका ये सनशाइन का 550 रुपए का होने वाला है, और मैकेनिक का आपका 1350 रुपए का होने वाला है ये MR6 Pro बिल्कुल। और जैसे कि बताया इसमें आपको फ्री भी मिल जाएगा। ये सोल्डरिंग वायर है फोंकुन ब्रांड का, और रिलायंस ब्रांड का भी फोंकुन वायर है, और एक है हमारे डी सोल्डर वायर। सर सोल्डरिंग वायर मस्ट भी जरूरत है। इस सोल्डरिंग वायर में खासियत यह है कि ये लो टेम्परेचर है और ये बहुत पतला होता है जो मोबाइल के काम के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है। दूसरी चीज होता है कि यहाँ पे और एक डी सोल्डर वायर है। डी सोल्डर वायर बहुत सारे ब्रांड में आता है और बहुत सारे इसकी कॉपी भी है, लेकिन आप जब भी ले गुड वीक का ओरिजिनल ही ले। इसमें बहुत सारा लेंथ आता है, 1.5 आता है, 2.5 आता है, 3.0 रहता है। जो क्या होता है कि सर बड़े आईसी में काम करने के लिए हमें 3.0 यूज होता है, अगर हम छोटे आईसी में काम करना चाहें तो 1.5 यूज होता है। तो आप अपने हिसाब से खरीदिए और ओरिजिनल प्रोडक्ट ही खरीदिए, क्योंकि अगर आप इस गुड वीक में डुप्लीकेट मिलेगा ना तो आपकी बोर्ड की प्रिंट जाएगा ही जाएगा मस्ट भी। तो आप सर बताएंगे इसमें कि क्या प्राइस रहने वाला है, क्या है जो हमारा ये गुडविक है, ये अभी 3.0 है और ये अभी लेटेस्ट ही आया है। आपने अभी तक 1.5 और 2.0 आप मार्केट में देख रहे होंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 150 रुपीज का। अगर आप हमारे यहाँ से 2.0 लेते हैं या 1.5 लेते हैं तो उसका भी रेट सेम ही होगा, और ये आपको उसी रेट में 3.0 का मिल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आप अगर हम सोल्डर वायर की बात करें तो आप ये देख ही रहे हैं, जैसे फोंकोंग का 0.3 mm है और रिलाइफ का 0.4 mm है। तो 0.4 mm जो रिलाइफ में है ये सिर्फ आपको 150 रुपीज में मिल जाएगा, और जो फोंकोंग का 0.3 mm है ये 200 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये बहुत बेस्ट है। और इसके साथ में ये सिल्वर टेप भी बताइए। सिल्वर टेप सर, सिल्वर टेप तो हमारे काम करने के लिए मस्ट भी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर हम हीट प्रोटेक्शन अगर एक आईसी में काम कर रहे हैं और दूसरा आईसी खराब हो जा रहा है, बोर्ड डैमेज हो रहा है, तो कोई मतलब का नहीं है। उस टाइम पे हमें सिल्वर टेप से प्रोटेक्शन करना चाहिए। ये सिल्वर टेप भी हर एक वेरिएंट में आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ा थोड़ा कम है, ज्यादा भी है। तो इसका सर प्राइस क्या रहने वाला है? सिल्वर टेप हमारे पास 1-5 तरह के साइज में अवेलेबल होगी। तो अभी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 45 रुपए से आपको 150-200-250 रुपए तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो जब आप ऑर्डर करेंगे उसका रेट आपको कितने साइज का चाहिए वो तभी आप मिल पाएगा, लेकिन 45 रुपीज से हमारे पास स्टार्टिंग हो जाएगी। कोई अगर आपको व्हाट्सएप पे मांगे फोटो जरूर दे पाएंगे? बिल्कुल देते हैं सर, अगर कोई फोटो मांगता है तो बिल्कुल लेते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि अगर मान लीजिए ज्यादा टीम के पास इंक्वायरीज है या वो थोड़ा बिजी है, तो रिप्लाई हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ऑन टाइम रिप्लाई चला जाए, वरना विद इन 24 घंटे तो हम रिप्लाई डाल देते हैं। ठीक है सर, तो भी ये भी टूल के साथ फ्री है सर? हाँ जी बिल्कुल, आप कुछ भी लेते हैं उसके साथ आपको फ्री मिलेगा, लेकिन एक एड्रेस पे एक ही कोरियर जो है वो उसमें आपको गिफ्ट मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक PPD ऑर्डर कर दिए, एक ये ऑर्डर कर दिए, या फिर हमारी टीम को अलग अलग नंबरों पर ऑर्डर कर दिए तो भी नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ से बिलिंग होती है और बिलिंग होने में ही आपका पता चल जाएगा। एक ही बिलिंग मतलब एक बिलिंग पे होगा? एक बिलिंग पे वो एक बिलिंग एक एड्रेस। ऑब्वियसली आप 10 चीज बुलवाओ 10 पे। तो यहाँ पे आइए थोड़ा, अब यहाँ पर छोटे छोटे टूल कवर कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ और ब्लेड है, ब्लेडेड पहले ले लेते हैं। बताइए ब्लेडों के बारे में, नंबर्स बताइए इनके। ये ईगल ब्लेड हम इसे बोलते हैं, और ये मोस्टली बहुत लोग जो OTA का वर्क करते हैं उनके तो काम में आता ही आता है, और कुछ जो घरेलू यूज में भी इसे आप ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, और जो पार्सल वगैरह अनबॉक्सिंग करने के लिए आप देख रहे होंगे, काफी यूजों में ये ब्लेड यूज होता है, काफी कामों में, तो ये आप ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये 15 नंबर का ब्लेड होता है, और 15 नंबर के साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं ये सर्जिकल ब्लेड जिसे बोलते हैं 11 नंबर का, ये 11 नंबर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये न्यू शेप में। और उसके बाद हमारे पास 4A नंबर का ब्लेड ये होता आपको है, कहीं नहीं मिलेगा ये बात ये ब्लेड है, ये 4A ब्लेड है, ये देख सकते हैं आप, ये ब्लेड मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा अच्छे से।
और आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे दूसरा ब्लेड है और एक 4 नंबर ब्लेड है, ये 4 नंबर ब्लेड है और ये 4A नंबर ब्लेड है और ये विथ हैंडल 11 नंबर का ब्लेड जी। तो इनकी क्या प्राइस रहने वाली है? इनकी सर अलग अलग रेट रेंज रहने वाली है। सबसे पहली बात तो जो भी ब्लेड का ऑर्डर देंगे वो मिनिमम कम से कम 10 क्वांटिटी में ले सकते हैं। एक सिंगल पीस जो है वो कोरियर नहीं जाता, एक्चुअली कोरियर में फिर स्कैनिंग जो होके कोरियर जाते हैं तो वहाँ आपका माल सीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप 10 का एक पैकेट ले सकते हैं ताकि हम उसका जो इनवॉइस देते हैं वो उस पर लगा रहता है। दूसरी बात जो इनके रेट होने वाले हैं वो 4 नंबर ब्लेड का 12 रुपये होने वाला है और 4A नंबर ब्लेड का 15 रुपये होने वाला है, और सॉरी 4A का 15 रुपये और 4 नंबर का 12 रुपये। और एक ये हमारे पास जैसे 15 नंबर है, ये आप गूगल से चेक कर लीजिएगा, तो ये आपको खुला हुआ है, खुला हुआ है, कोई नहीं। ये आपको होने वाला है 16 रुपये का, ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये ब्लेड है और स्क्रैपर की बात करेंगे, थोड़ा यहाँ पे आइए स्क्रैपर दिखाइए। ये देखिए आपको स्क्रैपर यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये देखिए इतनी वैरायटी है स्क्रैपर की, जैसे आपको यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के स्क्रैपर मिल रहे हैं और एक नई कंपनी 2UUL बहुत अच्छा हैंडमेड स्क्रैपर है। बताओ इन स्क्रैपर के बारे में। ये जो है हमारे 008, 009 और 007, इन्हें तो आप सभी लोग जानते ही हैं और बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं। जो नहीं जानते हैं वो बता देते हैं कि ये ग्लू कट वगैरह और भी काफ़ी यूज़ों में आते हैं, लेकिन अभी क्या है कि स्मूथ काम को देखते हुए एक ये 2UUL कंपनी ने हैंडमेड स्क्रैपर निकाला है जिसका आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो सेप दी हुई है वो इसलिए दी हुई है क्योंकि उसने रिसर्च करके कि क्या काम ईजिली हो सकता है, ये अपना स्क्रैपर लॉन्च किया है। बिल्कुल, बाकी जानकारी मिलन सर इनके बारे में देंगे। सर स्क्रैपर तो मस्ट भी आज की डेट में हर एक मोबाइल पेस्टेड आईसी आ रही है और स्क्रैपर मस्ट भी जरूरी है। हम तो जानते हैं काइंडली ब्रांड का 008, 007, 009 ये सारे ब्रांड में जानते हैं, जैसे ये हमारे ग्लू कटिंग के लिए ये यूज होता है और ये ग्लू क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ये आईसी खोलने के लिए यूज होता है। लेकिन सबसे अच्छा लगा सर ये स्क्रैपर है, ये स्क्रैपर कुछ अलग शेप में है और इसकी जो ब्लेड का क्वालिटी है एकदम जबरदस्त है। अब देख सकते हैं इसमें फ़र्क देख सकते हैं, ये जो ब्लेड है इसमें देख सकते हैं और ये ब्लेड देख सकते हैं, ये ब्लेड इसमें, ये जो ब्लेड है बहुत ही शार्प है और बहुत ही यूनिक चीज़ है ये, और ये बिल्कुल हैंडमेड है और मेरे हिसाब से आप यही परचेस कर सकते हैं। ये एक ही लेंगे तो आपका प्राइस सर, इसका प्राइस बताइए। ये प्राइस होने वाला है सर इसका 800 रुपये और 009 आपको 550 रुपये, ये सर 007 और 007 और 8 दोनों 750 रुपये जी। तो ये 750 में, ये 800 और ये 550 में, ठीक है। तो इसके बाद में आप देखेंगे एक नई चीज़, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, ये क्या है? ये सर जैसे आप मान लीजिए काम करते हैं और काम करते टाइम एक तो आप आईसी पे काम कर रहे हैं और आईसी को आपको सुखाना है यानी कि हवा से, तो ये 2UUL कंपनी ने फ़ैन रिलीज़ किया है जिसमें आप देख रहे होंगे सी टाइप यूएसबी है और इसमें अप डाउन करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। फैन का स्पीड बढ़ा भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो ये फैन भी है और फैन के साथ साथ ये एब्जॉर्ब भी करता है यानी कि आपका जो आयरन का स्मोक है स्मोक को एब्जॉर्ब करता है यानी कि खींच लेता है उसे, और बाकी जानकारी इसकी मिलन सर आपको बता देंगे। सर ये प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है और ये टाइप सी से चलता है, बाकी जैसे हम काम करते हैं तो स्मोक हमारे नाक में हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, अगर इस चीज़ को हम पास में चला के रख देंगे तो सारा स्मोक ये बाहर ही कर देगा सर, बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी आप बोर्ड को अगर ठंडा करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस होने वाला है 950 रुपये और इसमें एक दूसरी कंपनी में भी आता है वो आपको हमारे पास भी मिल जाएगा एक दूसरी कंपनी में, वो 700 या 750 की रेंज में होगा। और उसमें क्या है कि उसमें एक तो जो ये यूएसबी केबल है वो उसमें डायरेक्ट केबल लगी हुई होती है और इसमें जो बटन है वो उसमें बटन नहीं होता, तो कभी आप बोले कि आपने रेट ज़्यादा बताया है और मार्केट में कम है तो आप पहले चीज़ को कंपेयर ज़रूर कर लें कि वो चीज़ क्या है और क्या नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ा आइए, यहाँ हम दिखाना चाहेंगे आपके सामने कुछ ट्विजर्स है, बैंड है स्ट्रेट, और ये खास ट्विजर के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे, बताइए।
सर यहाँ पे जो ट्वीज़र है, हम तो ये दो ट्वीज़र में बहुत अच्छे तरीके से बाकी पे एक बैंड ट्वीज़र यूज़ करते हैं, एक स्ट्रेट ट्वीज़र यूज होता है। लेकिन इसमें खासियत ये ख़राब गुण ये होता है, अगर कभी भी गिर जाता है ना ट्वीज़र तो सर ये बैंड हो जाता है, और बैंड एक बार हो जाता है तो हम उसको सही तरीके से सीधा नहीं कर पाते हैं और वो ख़राब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्वीज़र ऐसा है जो एक ऐसा मटेरियल से बना हुआ है, इतना स्मूथ है और इतना लाइट वेट है सर, मैं बता नहीं सकता हूँ। और इसकी जो मैं आपको दिखाऊँ इसकी थोड़ा ग्रिपिंग, ये देखिए और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्वीज़र है, और ये मुड़ने वाला नहीं है सर, ये मुड़ने वाला नहीं है। सर इसका प्राइस क्या रहने वाला है? ये जो हमारी ट्वीज़र है ये 14W और 14 होती है मॉडल, अगर आप इसे परचेज करते हैं तो इनका जो रेट है वो 250 ईच प्रोडक्ट आपको पड़ेगा। और उसके साथ जो हमारा ये है, इसका तो मैं अगर बात करूं कि अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपको ऐसा ही नहीं लगेगा कि आपने हाथ में ट्वीज़र ली हुई है, इतना लाइट वेट है कि एक्सपीरियंस मिलेगा ट्वीज़र का। बिल्कुल। और इसमें जो है आप जब इससे काम करेंगे तो ये टाइटेनियम प्रोजेक्ट पे बनी हुई है, और इसका जो रेट है वो 800 रुपये रहने वाला है। तो आप जो एक आईफोन पे काम करते हैं या जो अच्छे टेक्नीसियन है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर एक बार ये ट्वीज़र लेके देखें। तो बिल्कुल सही बात है, जो JVC पे वर्क करते हैं जिनको लाइट हैंडल्स यूज करने का आदत है तो मेरे ख्याल से वो इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्वीज़र भी लाइट हो जाएगा। और अब इसके बाद में कुछ प्रोडक्ट और बचे हुए हैं, तो सबसे पहले कटर की बात करते हैं। ये दो कटर्स हैं यहाँ पर, और ये आपको थिनर की बोतल। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक आइटम पे आते हैं। बताइए इनके बारे में। सर ये कटर है, ये जो कटर है B&R का कंपनी का है, और ये कटर इसलिए यूज़ करते हैं मोबाइल में जो हमारे स्टील का जो कवर होता है सील्ड होता है उसको उतारने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सर्फ है, और छोटे से छोटे हिस्से में हम इसको काम कर सकते हैं। और स्प्रिंग मैकेनिज्म आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देखो कि किस तरह से इन्होंने मैकेनिज्म डाला हुआ है, तो बहुत अच्छा है। B&R का, इसका रेट क्या है? ये सर TW 130 हमारा मॉडल होता है, जो आप येलो वाला देख रहे होंगे, तो ये होने वाला है 300 रुपये का, और TW 140 ये हमारा होता है। एक्चुअली ये अभी इसका सील्ड गलत लगा हुआ है, अभी अगर आप फोटो में देख रहे होंगे तो ये हमारा 140 मॉडल है और ये 130 मॉडल है, ये 300 रुपये का होने वाला है और ये 350 रुपये का होने वाला है। ठीक। और ये थिनर की बोतल बताइए इसके बारे में। ये कुछ बोतल है, ये देख सकते हैं पूरी ग्लास का बना हुआ है, काफ़ी रियल लाइफ ने भी निकाल दिए। ये आपको कॉपी और डुप्लीकेट में काफ़ी देखने को मिलेगा। उसमें क्या रहता है, जो हैंडल्स जो नीचे रहते हैं, जो पाइप दिख रहा है वो अक्सर पाइप ढीला हो जाता है। जी ये बिल्कुल स्टील का है पाइप सर। हाँ, तो ये ढीला होने की कोई चांसेस नहीं है, डुप्लीकेट होता है ना सर, एक महीने दो महीने के बाद ये जो थिनर बाहर निकलने की जो ये होता है खराबी हो जाता है। इसमें भी जो मैकेनिज्म है वो आपका काम नहीं करता है, आप कितना भी दबाओगे ये काम ही नहीं करेगा। बताओ उनका रेट। ये होने वाली है सर 260 रुपये की रिलाइफ की पिक बोतल है ये। इसका अगर आप मॉडल की बात करें तो RL055 ये मॉडल है रिलाइफ का, और 260 रुपीज में आपको ये मिल जाएगी। बिल्कुल। अब इसके साथ में कुछ और आइटम और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे फोंकोन की ब्लेड है, और यहाँ पर आपको जैसे कि आपने ये डिवाइस है तो आप सोल्डिंग स्टेशन, जो माइक्रो सोल्डिंग स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमें कनेक्टर्स निकालने हुए या फिर जो फ्लेक्स केबल होती है उसके ऊपर के जो कनेक्टर्स होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं, इसके बारे में बताइए जरा। और ये किस डिवाइस के साथ अटैच होगा ये भी बताइए। ये हमारा सर जैसे 936 आयरन हुआ या T12 या जो भी आपके पास आयरन है आप उससे इसमें वर्क कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ तो आप इसकी बिट लगा ही लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा होल भी दिए हुए हैं लगाने के लिए। हाँ, तो अलग अलग आयरन भी है, मतलब अलग अलग जैसे आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, सपोज आपका आयरन का सेव अगर यहाँ मैच कर जाता है। जी ना, तो ये काफी बेटर है, इससे आप फ्लेक्स केबल के ऊपर के जो कॉम्पोनेंट्स है वो भी निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आईसी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे माइक में पत्ता भी हो जाता है, पत्ते में माइक हो जाता है, उसको भी क्लीन करने के लिए चेंज करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। आपके जो आपने देखे होंगे वीवो के अक्सर फोनों पे नीचे पत्तों के ऊपर आपका सीसी भी लगा देते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत कारगर। बिल्कुल। तो ये कितने का है? ये सर 380 रुपये का होने वाला है। 380 रुपये का जी। और इसके साथ ये फोंकोन की ब्लेड है, तो ये कितने की है? ये फोंकोन की ब्लेड है, ये आपको मिल जाएगी 200 रुपये में, और ये जो है एक स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है
कि आपको लगेगा कि एक ब्लेड इतनी महंगी क्यों, और है तो सिर्फ ब्लेड ही ना, लेकिन इस ब्लेड से जब आप काम करेंगे और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा और जो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं तो वो आपको। और दूसरी बात ओरिजिनलिटी की, ये आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल। हाँ, फोंगकोंग का कोई भी प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए वो आपको ओरिजिनल मिलेगा, कॉपी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ऑथोराइज किया है फोंगकोंग टीम ने जो चाइना में प्रोडक्ट बनाती है, तो हमारा डायरेक्ट माल उन्हीं से आता है और ओरिजिनल माल आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहेंगे, ये ब्रश है, तो ये बताइए इसके बारे में। ये ब्रश बहुत खास है सर, टू साइड ब्रश। हाँ, टू साइड ब्रश है, एक तरफ मेटेरियल मेटल से बना हुआ है, एक तरफ ब्रश से बना हुआ है। तो आज के डेट में जो डबल डेकर सीपीयू आ रहा है जिसको क्लीन करने में दिक्कतें आ रही है, तो ये ब्रश जरूर खरीदे और एक बार ट्राई करें, क्योंकि ये ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सर इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस सर 200 रुपये रहने वाला है, 200, आप इसे ले सकते हैं। और ये सनशाइन का अगर मॉडल की बात करें तो सनशाइन 022B ये मॉडल है जो दोनों साइड से आता है। तो दोस्तों ये वीडियो लगभग आधे घंटे के ऊपर हो चुका है और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने जैसे कि सोचा कि एक वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता है, अगले वीडियो में हम आपको माइक्रोस्कोप के बारे में और डीसी के बारे में बहुत अच्छा बताने वाले हैं कि क्या आपको बेस्ट प्राइस सर से मिल सकता है और कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर। और आपको नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए, और साथ में नीचे भी लिंक में भी आपको नंबर मिल जाएगा, ये वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। 1 जनवरी को इनका एंड्रॉइड और iOS में एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, तो आपको बहुत आसानी जाएगी परचेसिंग करने पे। और अभी जैसे कि इन्होंने बताया 3 दिन का एक ब्लैक फ्राइडे आपको एक ऑफर दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट होगा, तो उसको जरूर आप देखिएगा। क्या सर, मैं लाइव पावर एसी किया, सीपीओ किया। जब सीपीओ किया तो एक अंदर आए, मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है, इन्हें सीपीओ करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल डेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आई, पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेकर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया आपने? या सर, लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर एसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल। हाँ। कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गया? हाँ सर, डबल डेकर किया था। मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगा, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर। आपने तो 3 टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाइए आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर पर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किए, EMC है, EMC लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगा, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। जी सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डबल डेकर आपका लास्ट डे डबल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारी स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? सर आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.